विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद के मसले पर चीन और उसके दोस्त पाकिस्तान को जमकर हरी खोटी सुनाई है। ये पहला मौका नहीं है जब एस जयशंकर ने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाई हों। इससे पहले भी एस जयशंकर ने भारत का पक्ष हमेशा दमदार तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रखा है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कब कब एस जयशंकर ने पाकिस्तान की बोलती बंद की और चीन को भी आईना दिखाया। नमस्कार, मैं हूं गौरव मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज़रूम पोस्ट। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा और सुधारित बहुपक्षवाद के लिए नई दिशा संबंधित विषय पर एस जयशंकर चीन और पाकिस्तान दोनों को घेरते दिखे। जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद को सही बताने और साजिश रचने वालों को बचाने के लिए बहुपक्षीय मंचों का दुरुपयोग किया जा रहा है। जयशंकर ने खुली बैठक में कहा कि संघर्ष ने दुनिया में ऐसी हालत बनाई है कि बहुपक्षीय मंच पर चलताऊ रवैया अब नहीं चलने वाला है। आतंकवाद की चुनौती पर दुनिया में एकजुट प्रतिक्रिया है, लेकिन आतंकी साजिश रचने वालों को उचित ठहराने और बचाने के लिए ऐसे मंचों का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल जरदारी भुट्टो की तरफ से इस मसले को उठाए जाने पर कहा कि जिस देश में ओसामा बिन लादेन जैसों को पनाह मिली हो, उसे इस मामले में खुद को देखने की जरूरत है। जयशंकर ने कहा कि सुरक्षा परिषद जैसे मंचों से अपराधियों को बचाने का काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि जब जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई और न्याय की बात होती है तो स्थिति यहाँ भी बेहतर नहीं है। उन्होंने कहा कि संबंधित मसलों को उचित मंच से हल करने की जगह ध्यान भटकाने और भ्रमित करने की कोशिशें होती हैं। जयशंकर का ये बयान इस वजह से आया है क्योंकि इसी साल चीन ने पाकिस्तान परस्त आतंकियों के खिलाफ प्रतिबंध की भारत की कोशिशों पर सुरक्षा परिषद में रोक लगाई थी। इन आतंकियों में साजिद मीर, अब्दुल रहमान मक्की, अब्दुल रऊफ और शाहिद महमूद शामिल हैं। चीन ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान स्थित जैश ए मोहम्मद सरगना मसूद अजहर को भी अंतर्राष्ट्रीय आतंकी ठहराने की भारत और अमेरिका के प्रस्तावों को भी बार बार रोका है। जयशंकर ने इससे पहले भी पाकिस्तान को लताड़ लगाई है। पिछले साल जनवरी में भी उन्होंने स्पष्ट कहा था कि किसी कारण के बिना आतंकवादी सूची को बाधित करने और रोकने की प्रथा समाप्त होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यह भी जरूरी है कि व्यक्तियों के नाम प्रतिबंधित सूची में डालने या हटाने की प्रक्रिया तार्किक आधार पर हो, न कि धार्मिक या राजनीतिक कारणों पर। विदेश मंत्री ने 8 बिंदुओं वाली कार्य योजना में उस वक्त कहा था कि आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध पर सख्ती की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत में हमने 1993 के बम विस्फोट के लिए जिम्मेदार सिंडिकेट को देखा है। एस जयशंकर ने सुरक्षा परिषद में भारतीय पक्ष दमदार तरीके से रखे हैं। सुरक्षा परिषद में निर्वाचित सदस्य के तौर पर भारत का कार्यकाल इस महीने खत्म हो रहा है। ये सदस्यता 2 साल के लिए ही थी। जयशंकर ने हाल में ही यूक्रेन और रूस की तेल खरीद के मुद्दे पर भी पश्चिम देशों को भी आईना दिखाया था। उन्होंने कहा था कि पश्चिम को भारत के इसी रवैये के साथ जीना होगा। विदेश मंत्री ने कहा था कि भारत भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मुद्दों पर मतभेद के बावजूद पश्चिम के साथ काम कर रहा है। उन्होंने पश्चिम को आड़े हाथों लेते हुए कहा था कि अगर भारत का ये रुख आपकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं है तो ये आपकी समस्या है। विदेश मंत्री ने कहा था कि रूस और यूक्रेन के मुद्दे पर भारत ने काफ़ी गंभीर रुख अपनाया है। इस खबर में इतना ही। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दें। अगर आपकी कोई राय है इस वीडियो पर तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार।